गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इंजीनियरिंग फिजिक्स के आज के लेक्चर में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका सबसे बेसिक टॉपिक होता है सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर पर बेस्ड होती है, और जो आपकी ब्रांच होती है कंप्यूटर, इसमें इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, साथ में कंप्यूटर साइंस, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर पर ही बेस्ड होती है। तो आज हम लोग एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर, और इसको आप लोग स्कूल लेवल में भी पढ़कर आ चुके हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आरजीपीवी के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे हम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, क्या होता है सेमीकंडक्टर। जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, सेमीकंडक्टर मतलब कि कोई दो मेथड है, उसके बीच की कोई मेथड होगी ये। तो इसी आधार पर हम इसकी डेफिनेशन भी बना लेंगे। क्या होगा इसका मीनिंग? Semiconductors are materials whose electrical properties like between conductors and insulator, मतलब ऐसा material जिसकी conductivity या जिसकी electricity किस किस के बीच में होगी, conductor and insulator के। हमारे पास example हैं बहुत अच्छे semiconductor के, दो example silicon और germanium, silicon and germanium are two example of semiconductors। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में आप लोगों को दो टर्मोलॉजी और दिख रही है। पहला है कंडक्टर्स एंड सेकंड है इंसुलेटर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जानते हैं आप लोग? इतना इम्पोर्टेंट है और इतना बेसिक है ये कि आप लोग इसको डेली रूटीन में, स्कूल में, कॉलेज में, घर पर इन सब चीज़ों को देखते हो, इनके कॉन्टेक्ट में आते हो। तो हम चलिए इसको समझते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। सबसे पहला है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसा मेटल्स जिसमें कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है, उसको कंडक्टर कहा जाता है। क्लियर? जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाएगी, उसको हम कंडक्टर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, सिल्वर, कॉपर, ये बहुत अच्छे कंडक्टर कहलाते हैं। सिल्वर को गुड कंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब सेकंड हम लोगों ने देखा है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होगा? इसके अपोजिट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, उसको कहा जाता है इंसुलेटर्स। समझ में आया इतना? इसके एग्जांपल क्या हैं? एग्जांपल में आप लोग क्या बता दोगे? इंसुलेटर का एग्जांपल है वुड होता है, प्लास्टिक होता है, ये सब इंसुलेटर कहलाते हैं। अब क्या डिफरेंस है इसमें? कंडक्टर में करंट फ्लो हो जाता है और इंसुलेटर में नहीं होता है। तो इसके पीछे रीज़न बहुत ही सिंपल है कि किसी भी मेटल में दो बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है बैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच के गैप पर ही डिपेंड करती है डेफिनेशन कंडक्टर की, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर्स की। अब जैसे यदि इन दोनों बैंड के बीच में गैप नेग्लिजिबल हो जाए या बहुत ही मिनिमम हो जाए या एक दूसरे को ये ओवरलैप करें, तो उस कंडीशन को कंडक्टर्स की कंडीशन कहा जाता है। मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इजीली एक बैंड से दूसरी बैंड की तरफ फ्लो हो जाएंगे, मतलब करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इसके अपोजिट इंसुलेटर जो होता है, उसमें इन दोनों बैंड के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है। इस गैप को कहा जाता है एनर्जी बैंड गैप। तो गैप इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स एक बैंड से दूसरी बैंड की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं, तो इसको कहा जाता है इंसुलेटर्स। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच की कंडीशन होती है। ऐसे मटेरियल्स जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में होती है, इसको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में, जैसा हम लोग जानते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पी टाइप और एन टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों का ही हम यूज़ करते हैं। पर यदि हम इसका बेसिक देखें, तो सेमीकंडक्टर को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला होता है इंट्रेंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक का मतलब होता है ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर होता है, जो हमें नेचर से बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिला हो, जिसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं की गई हो, उसको कहा जाता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। उसी के हमारे पास एग्जाम्पल हैं दो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कैसे हैं?
इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, वो उसके अपोजिट होगा। ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इसमें कुछ हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं और उसको फिर बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ये आर्टिफिशियली होता है, इंट्रेंसिक नेचुरली होता है, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें एक्सट्रेंसिक का ही ज़्यादा काम है। एक्सट्रेंसिक को फिर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है पी टाइप, दूसरा होता है एन टाइप। इन दोनों से ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स के डिफरेंट डिवाइस बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स का जहाँ हमारी नीड होगा, ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग इसका हम यूज़ करेंगे। तो सेमीकंडक्टर को हम देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर क्लासिफाइड इन टू पी टाइप्स एंड एन टाइप्स। पी टाइप क्या होता है? पी टाइप ऐसा मटेरियल्स होता है जहाँ पर मेजोरिटी में होल्स होंगे, मतलब पॉजिटिव की मेजोरिटी होती है। और एन टाइप्स ऐसा होता है जहाँ पर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो इसको एन टाइप कहा जाता है, ठीक है। पी मतलब पॉजिटिव होल्स और एन टाइप मतलब नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, क्लियर। इसी को हम फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम डोपिंग करते हैं, कैसे हम इसमें इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डायोड्स, इसको भी हम डेफिनेशन देखते हैं। डायोड्स क्या होते हैं? एक्चुअली डायोड्स जो होते हैं वो टू टर्मिनल डिवाइस होते हैं। पहला होता है पी टाइप्स और दूसरा होता है एन टाइप्स, ठीक है। पी टाइप्स क्या होगा? हम लोगों ने अभी देख करा है, जिसमें मेजोरिटी में हमको होल्स मिलेंगे। और एन टाइप होता है जिसमें मेजोरिटी में हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो डिवाइस बनती है उसको डायोड कहा जाता है। इन दोनों के बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वहीं पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिससे करंट फ्लो होगा, है ना। इसको हम आगे भी डिटेल में हम देखेंगे। यूज्ड के लिए कहाँ कहाँ? रेक्टिफायर्स में, एलईडी में डायोड्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है, एन रीज़न है जहाँ पर मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है, और पी रीज़न है जहाँ पर मेजोरिटी में फ्री होल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ठीक है। इसका एक सिंबल भी होता है, सिंबल देखते हैं हम। ये भी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं स्कूल लेवल में। यहाँ पर पहले डायग्राम में तो वही पी और एन दिख रहा है आप लोगों को, मेजोरिटी माइनॉरिटी, ठीक है। अब सेकंड जो डायग्राम है, ये सिंबल कहलाता है डायोड का। इसमें जो बॉटम दिख रहा है उसको पी कहा जाता है, और जो टॉप है उसको एन कहा जाता है। पी मतलब इसमें जहाँ पर होल्स होंगे मेजोरिटी में प्लस साइन होगा, और जहाँ एन है वहाँ पर मेजोरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वहाँ माइनस साइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डायोड्स को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेमीकंडक्टर और डायोड दोनों को, इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, और इसके हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम किन किन टॉपिक्स की इसमें स्टडी करेंगे। इतना समझ में आया? इसकी अच्छे से स्टडी करिए, रिवाइज़ करिए इसको, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।